So who is the fastest growing rapper right now in 2024? Let's find out. So exactly same video मैंने आज से prox एक साल पहले बनाया था, जहां पे मैंने 2023 के starting में उस टाइम के फास्टेस्ट गोइंग रैपर का लिस्ट बनाया था. सो चेक करेंगे हम, अगर तुम्हें वो लिस्ट याद हो, अगर नहीं है तो एक बार वीडियो जाकर चेक कर लेना. उस लिस्ट के कंपैरिजन में अभी करेंटली कौन से रैपर है जो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ दिखा रहे हैं YouTube में. सो हमारी आज के वीडियो में जो लिस्ट होने वाली है, ये सब्सक्राइबर्स ग्रोथ के अकॉर्डिंग होने वाली है. लाइक हर महीने कौन सा रैपर है जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर रहा है, और अगर हम इसी से अंदाजा लगाते हैं या फिर अप्रॉक्स ग्रोथ को लेके चलते हैं, तो शायद ये कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि साल के आखिर तक जो रैपर इस लिस्ट में है, इन्हीं में से कुछ रैपर्स की हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी. तो शायद तुम्हें एक अंदाजा मिल जाएगा कि कौन सा रैपर 2024 में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखा सकता है. ठीक है, तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट. बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लिस्ट है, कुछ ऐसे रैपर भी देखने को मिलेंगे जो शायद तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. नंबर वन पोजीशन के लिए वेट करना, वो भी शायद तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और मजा आएगा. ठीक है, लेट्स गो. सो स्टार्ट करेंगे अपनी लिस्ट. उसके पहले दो रैपर्स या फिर तुम बोल सकते हो DHH के दो बेस्ट डुओ इस लिस्ट में एंटर होने से जस्ट बच गए. अगर मैं बात करूं यंग स्टनर्स की, तो यंग स्टनर्स करेंटली हर महीने गेन कर रहे हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स, और सीधे मौत गेन कर रहे हैं 11,000 सब्सक्राइबर्स. थोड़ा सा ज्यादा होता तो ये लिस्ट में आ जाते, बट ये लिस्ट में नहीं आ पाए. सो स्टार्ट करते हैं अपने लिस्ट, चेक करते हैं लिस्ट के 10th रैपर की, और नंबर 10 पे है विजय डी के. पहला रूले मारते पहले मांडवली बात की बातें झूला झूलपन बाप को भूल मत जो शोर होश. तो मुझे याद है पिछले साल जब मैंने ये सेम लिस्ट बनाया था, तो विजय डी के उस लिस्ट में भी थे, और एग्जैक्टली जैसा एक्सपेक्टेड ग्रोथ था विजय डी के का, हमें वो देखने को मिला. पिछले साल हमें विजय डी के का एल्बम देखने को मिला, एल्बम ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, और विजय डी के ग्रेजुअली बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अपना एक अच्छा खासा फैन बेस बना रहे हैं. अगर हम विजय डीके के टोटल सब्सक्राइबर्स काउंट की बात करें, तो वो है 727K, which is a really good number. Like तुम देखो कि कितनी जल्दी विजय डीके ने कितना ज्यादा ग्रोथ दिखाया है. So yes, in number 10 we have विजय डीके, and I hope कि ये साल खत्म होते तक विजय डीके की हमें और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ये जो नंबर है 12K का, ये और भी ज्यादा आगे आने वाले महीनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा. चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने लिस्ट के 9th रैपर को. नंबर 9th में जो रैपर है, इनका नाम है पैंथर. मैंने गलत करा ये, मैंने गलत करा वो, चली सड़क मिला जो भी मैंने अदब करे बहुत. सो पैंथर अभी करेंटली हर महीने 14,000 सब्सक्राइबर्स अपने यूट्यूब चैनल में गेन कर रहे हैं. सो पैंथर ने रिसेंटली अपना मिक्सटेप ड्रॉप किया है, उसकी वजह से भी ये जो नंबर है ना, ये थोड़े ऊपर चले गए हैं. बट उसके साथ साथ पिछले साल पैंथर ने मल्टीपल बैंगर्स दिए हैं, हिट ट्रैक वायरल ट्रैक दिए हैं, तो ये भी रीजन है पैंथर के नंबर जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, सो अगर इसी रेट से सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ते रह गए, तो भाई 2024 में पैंथर की हमें बहुत ही क्रेजी ग्रोथ देखने को मिल सकती है. अगर हम पैंथर के करंट सब्सक्राइबर काउंट की बात करें, तो वो है 173K, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है, एंड आई होप कि 500K पैंथर क्रॉस कर जाए साल के एंड में. और अगर ऐसा होता है, I will be really impressed भाई, क्योंकि अभी जब मैंने पैंथर भाई का मिक्सटेप सुना ना, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी मिक्सटेप निकली, और मैं अब जेन्युइनली चाहता हूं कि पैंथर भाई का ग्रोथ हमें इस साल देखने को मिले. ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे. उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट लेके आया हूँ. ये आर्टिस्ट जाने वाला है तुम्हारी प्लेलिस्ट में, डेफिनेटली जाएगा. चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे. अखाते जश में मुते निकाब, कलम कातिल मिले खिताब, पिठते कद करा ना वार, चला कनेडा में बैठा पंजाब. सपना सी जड़े ओ दूर ने हुन, सपने जाके पूरने हुन, ना देखना चाहते सी मेनू कदे देख के. सो आर्टिस्ट है असमान आहूजा, और गाने का नाम है ड्रिल टॉक. सो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया पंजाबी ड्रिल ट्रैक देखने को मिला है. तो अगर तुम पंजाबी आर्टिस्ट को सुनते हो, पंजाबी ट्रैक सुनते हो, डेफिनेटली ये गाना तुम्हें पसंद आएगा. शायद तुमने ये आर्टिस्ट पहले सुना नहीं होगा. अभी करंटली पंजाबी हिप हॉप सीन में बहुत सारे नए टैलेंटेड आर्टिस्ट आ रहे हैं, और जब मैंने भाई का ये ट्रैक सुना ना, तो मुझे भी लगा कि भाई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और भाई को अगर सपोर्ट मिलता है ना, तो भाई भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं. सो अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया और ट्रैक पसंद आया, डेफिनेटली जाओ चेक करो. तुम्हें ट्रैक का लिंक जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और तुम्हारे साइड से जो भी फीडबैक है तुम जाके भाई को भी दे सकते हो, भाई को बता सकते हो. भाई का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया. जाओ और ट्रैक को सुनो, भाई को प्यार दो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो पंजाबी हिप हॉप ट्रैक सुनते हैं, और उनको भी ट्रैक के बारे में बताओ. ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट. ओके, चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने लिस्ट के 8th रैपर को, और 8th में टाई हो चुका है. दो रैपर हमें 8th में देखने को मिले हैं, एक है बहुत ही ज्यादा कमर्शियल रैपर यो यो हनी सिंह, और दूसरे है थोड़े अंडरग्राउंड या फिर थोड़े लेस पॉपुलर कलमिक. पक्के पे शरीर बिल्लो डंड मार मार के पा दिए तेरे बिल्लो चंड मार मार के आप पावे मैं कभी
कभी मांगा नहीं कामयाबी खुदा नहीं देता मैं तभी भी जी लेता बस मांगू माँ बाप की खुशी और भाई। सो पहले बात कर लेते हैं हनी सिंह की। सो हनी सिंह हर महीने 20,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि ये बहुत छोटा नंबर है और इस नंबर के पीछे का रीजन भी तुम्हें एक्जैक्टली पता होगा क्योंकि हनी सिंह के यूट्यूब चैनल में हमें ट्रैक देखने को नहीं मिलता है। रेयरली ही वो ट्रैक ड्रॉप करते हैं। हनी सिंह के जितने भी गाने हैं वो म्यूजिक लेबल से आते हैं। सो भाई उनके YouTube चैनल पे नंबर कम होना नॉर्मल सी बात है। सो वो सारे ट्रैक जो हनी सिंह ने लेबल के थ्रू ड्रॉप किए हैं अगर उन्होंने अपने चैनल पे ड्रॉप किए होते तो कहानी और ही होती। सो यस इन नंबर 8 वी हैव यो यो हनी सिंह। इसके साथ साथ नंबर 8 पे है कलम इंक। अगेन लास्ट ईयर भी कलम इंक ने इस लिस्ट पे अपनी जगह बनाई थी और कलम इंक की ग्रोथ ग्रेजुअली हमें देखने को मिल रही है। कलम इंक भी करेंटली हर महीने 20,000 सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं। सो रिसेंटली अभी कलम इंक के भाई बिग बॉस में गए हुए थे उस टाइम पे कलम इंक ने बिल्कुल भी ट्रैक ड्रॉप नहीं किया अपने एल्बम ड्रॉप करने के बाद और शायद कल ही कलम इंक का एक हमें नया सिंगल देखने को मिला है हरजस के साथ। सो अगर कलम इंक कंसिस्टेंट रहते हैं ना तो ये ग्रोथ और भी ज्यादा होगी एंड आई स्टिल बिलीव कि कलम इंक इस साल पिछले साल जितना ग्रोथ मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना एग्जैक्टली नहीं हो पाया बट आई होप कि इस साल कलम इंक की हमें क्रेजी ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर वो कंसिस्टेंट रहते हैं अगर वो ट्रैक जिस हिसाब से निकाल रहे हैं उस हिसाब से निकालते हैं प्रॉपर म्यूजिक वीडियो के साथ तो कलम इंक की जो फैन बेस है वो बहुत ही ज्यादा कल्ट है डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे। और अगर हम कलम इंक के करंट सब्सक्राइबर काउंट की बात करें तो वो है 931K 1 मिलियन के बहुत ज्यादा करीब है कलम इंक। तो अब कलम इंक को अंडररेटेड बुलाना बंद करना होगा भाई अब मतलब मेनस्ट्रीम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भाई मतलब मेनस्ट्रीम हो ही गया। ओके चलते हैं लिस्ट में ऊपर चेक करते हैं लिस्ट के 7th फास्टेस्ट ग्रोइंग आर्टिस्ट इन 2024 नंबर 7 पे है बादशाह। बैन कर रखे जो वो लग रहे उतर कार पे छोरे करनाल के लगड़े। तो बादशाह भाई हर महीने गेन कर रहे हैं 30,000 सब्सक्राइबर्स। अगेन बादशाह भाई के साथ भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो तो नहीं है क्योंकि बादशाह भाई के मल्टीपल ट्रैक्स उनके चैनल से भी ड्रॉप होते हैं बट कुछ ट्रैक वो म्यूजिक लेबल से भी ड्रॉप करते हैं। अगेन करंटली उनके मल्टीपल ट्रैक जो उनके चैनल से आए हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल से साइन है और जो आर्टिस्ट यूनिवर्सल से साइन होता है उसके गाने आर्टिस्ट के चैनल से ही ड्रॉप होते हैं ठीक है। तो ये एडवांटेज है बादशाह भाई के साथ। सो इस रीजन की वजह से 30,000 सब्सक्राइबर्स इज लेस नंबर अगर हम बादशाह भाई के नाम को देखें बट अगेन बहुत टाइम से उन्होंने कुछ ड्रॉप नहीं किया है उनका एल्बम आने वाला है तो ये नंबर बाद में बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है बट करेंटली बादशाह इज इन नंबर 7। ओके चलते हैं लिस्ट में ऊपर चेक करते हैं अपने लिस्ट के 6th आर्टिस्ट को और नंबर 6 पे फिर से हो गया है टाई। इन नंबर 6 वी हैव किंग एंड कृष्णा। जिसने आंख लड़ा के पैर रखा जब कहर मचा वो अपने कर्म मेरे बिन गेम में मजा नहीं क्यों लगे ये मजाक फिर भी हंसा नहीं तू मुझसे खफा ये। सो क्या तुम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एक साथ हमें किंग और कृष्णा का नाम देखने को मिलेगा वो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रैपर 2024 के लिस्ट में। बट हाँ कृष्णा की भी बहुत क्रेजी ग्रोथ हो रही है करेंटली। कृष्णा ने रिसेंटली अपने मल्टीपल ट्रैक्स ड्रॉप किए हैं और ट्रैक्स अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं लाइक जूता जापानी इज डूइंग रियली गुड अच्छे नंबर लेके आ रहा है। और किंग ने लास्ट ईयर जब एल्बम ड्रॉप किया था उस एल्बम ने जितना एक्सपेक्टेशन था वैसा परफॉर्म नहीं किया लाइक अगर हम कंपेयर करें किंग के लास्ट एल्बम को बाकी किंग के एल्बम से तो हर ट्रैक मतलब एल्बम में कुछ ऐसा ट्रैक होता था जो बहुत हाई स्केल पे वायरल होता था बट इस बार वैसा कोई ट्रैक एग्जैक्टली हमें देखने को नहीं मिला बल्कि किंग के एल्बम में ऐसे ट्रैक थे जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल था वायरल होने का ग्लोबल स्केल पर वायरल होने का लाइक पैन इंडिया ग्लोबली वायरल होने का ट्रैक जैसे हाई हुकू तू जाना ना पिया बट जो नंबर आने चाहिए थे ना वो नंबर नहीं आए हैं और वो जो है किंग के ग्रोथ में भी नजर आ रहा है। एग्जैक्टली अगर हम एक साल पहले जाके देखें ना तो किंग 100K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे थे ठीक है और अभी करेंटली किंग 40K सब्सक्राइबर्स ही गेन कर रहे हैं। सो ग्रोथ में थोड़ी सी मतलब डिक्लाइन हुई है बट आई होप कि किंग कम बैक कर लेंगे आराम से। सो यस इन नंबर 6 वी हैव किंग एंड कृष्णा। ओके चलते लिस्ट में ऊपर चेक करते हैं अपने लिस्ट के 5वें फास्टेस्ट ग्रोइंग आर्टिस्ट को। इन नंबर 5 वी हैव एमसी स्टैन। और एमसी स्टैन हर महीने गेन कर रहे हैं 60,000 सब्सक्राइबर्स। भाई एमसी स्टैन ने साल डेढ़ साल से कुछ ड्रॉप नहीं किया मतलब हाँ सिंगल भले आए हैं बट उनके साइड से हमें कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जैसे एल्बम मिक्स टेप देखने को नहीं मिला है बट स्टिल 60,000 सब्सक्राइबर्स वो हर महीने गेन कर रहे हैं। अगर तुमसे कंपेयर करते हो बाकी आर्टिस्ट है तो बाकी आर्टिस्ट ने प्रोजेक्ट ड्रॉप किया है उसके बावजूद उतने सब्सक्राइबर्स गेन उनके नहीं है ठीक है। तो ये बताता है कि जब प्रोजेक्ट ड्रॉप हो जाएगा एमसी स्टैन के साइड से तो क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट एमसी स्टैन सीन में हमेशा ही रिलेवेंट बने रहते हैं उनका नाम आता रहता है कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो हाँ ये नंबर वैलिड है उस हिसाब से। सो आई होप कि जल्दी हमें एमसी स्टैन का एल्बम देखने को मिलेगा और ये नंबर 60K
160K हो जाएगा जब MC Stan का एल्बम ड्रॉप होगा, या फिर 260K हो जाएगा, या फिर 360K हो जाएगा, ठीक है, जब MC Stan अपना एल्बम ड्रॉप करेंगे। बट फिलहाल के लिए MC Stan फास्टेस्ट ग्रोइंग रैपर ऑन यूट्यूब के लिस्ट में है नंबर 5 पे। ओके, चलते हैं लिस्ट में ऊपर और चेक करते हैं अपने लिस्ट के फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग रैपर को। और फोर्थ में हमें एक डुओ देखने को मिला है जो अभी रिसेंटली ही बना है। मैं बात कर रहा हूं करण औजला एंड डिवाइन की। और सरप्राइजिंगली दोनों रैपर हर महीने, या फिर तुम जो भी बुला लो हिप हॉप आर्टिस्ट, ये लोग हर महीने दोनों 70K सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं। करण औजला और डिवाइन के सब्सक्राइबर्स काउंट पे, अब सब्सक्राइबर्स नंबर पे, तो डिवाइन के सब्सक्राइबर्स काउंट बहुत ज्यादा है। करण औजला ने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इसके पहले उनके ट्रैक जो है वो लेबल से आते थे, बट स्टिल करण औजला इज गेनिंग 70K सब्सक्राइबर्स। दिस इज अ बिग डील। बट अभी जो करण औजला डिवाइन कोलैबोरेशन आया है, वो ट्रैक भी हमें डिवाइन के चैनल पे देखने को मिला, और डिवाइन ने उसके पहले भी कुछ सिंगल ड्रॉप किए हैं। सो डिवाइन अभी कंसिस्टेंट हो गए हैं, उसकी वजह से हमें डिवाइन के चैनल पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो करण औजला और डिवाइन का एल्बम बहुत जल्द आने वाला है, एंड आई होप कि डिवाइन का इसके बाद भी प्रोजेक्ट है, तो इस साल हमें डिवाइन का और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और करण औजला जैसा कंसिस्टेंट आर्टिस्ट तो मैंने देखा ही नहीं है, मतलब भाई साल में 2 EP एल्बम सब एक साथ ड्रॉप कर देते करण औजला, तो करण औजला की ग्रोथ और ज्यादा होने वाली है, ये 70K और भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है, एंड आई होप डिवाइन के साथ भी एक्जैक्टली सेम हो। बट फिलहाल के लिए इन नंबर 4 वी हैव करण औजला एंड डिवाइन, एंड बोथ आर गेनिंग 70K सब्सक्राइबर्स पर मंथ। ओके, चलते लिस्ट में ऊपर। अब हम आ चुके हैं टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग रैपर ऑन यूट्यूब पे। नंबर 3 पे है एमी वेबंटर। पिछला गाना एक दिन में 4 मिलियन की चेन के आग लगी हैश बचा करूं इन्हें पोकेमॉन से डिस करे और ये विश करे इन्हें छोड़ दूं मैं। एमी वेबंटर करेंटली गेन कर रहे हैं हर महीने 100K सब्सक्राइबर्स। सो एनीवे जैसी कंसिस्टेंसी, और एनीवे जैसा कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था एनीवे वनटाई के ऊपर, जहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे एनीवे के गाने इतने ज्यादा मतलब हर ट्रैक एक के बाद एक ट्रैक कितना ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है। एक से मतलब अभी करंटली एमीवे अपना एल्बम ड्रॉप कर रहे हैं और हर ट्रैक पिछला ट्रैक से बेटर लग रहा है, ठीक है, और यही रीजन है कि एमीवे के नंबर हमेशा बढ़ते रहते हैं, और यही रीजन है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब्ड हिप हॉप आर्टिस्ट इन आवर कंट्री, ठीक है। सो यस, 100K थोड़ा सा कम है, इससे ज्यादा हो सकता था, बट अभी करेंटली एमीवे के जो नंबर्स है, क्योंकि वो मोस्टली मेलोडिक ट्रैक ड्रॉप कर रहे तो उतने ज्यादा नहीं है, बट आई होप कि ये नंबर फ्यूचर में जाके और भी ज्यादा बढ़ेंगे, और एमीवे की ग्रोथ तो होते रहेगी भाई, वो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले आर्टिस्ट है, और ये नंबर तो भाई अभी 21 मिलियन हुआ है, ये नंबर और ऊपर जाएगा, तो भाई नॉर्मल सी बात है कि पर मंथ सब्सक्राइबर ग्रोथ भी बढ़े। ओके, चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने लिस्ट के सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग हिप हॉप आर्टिस्ट या फिर रैपर को। इन नंबर 2 वी हैव सिद्धू मूसेवाला। और सिद्धू पाजी गेन कर रहे हैं हर महीने 200K सब्सक्राइबर्स। सो सिद्धू पाजी, तुम्हें पता होगा, ही इज द मोस्ट सब्सक्राइब्ड हिप हॉप आर्टिस्ट इन इंडिया, और जिस हिसाब से उनकी बिना ट्रैक ड्रॉप किए हुए जिस हिसाब से उनकी सब्सक्राइबर्स की काउंट बढ़ रही है, वो नंबर 1 पे ही रहने वाले, ठीक है। तुम कंपेयर करो सिद्धू पाजी और एमीवे मंटाई के नंबर्स को, तो अप्रॉक्स डबल सब्सक्राइबर्स सिद्धू पाजी के बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अगर फ्यूचर में मे बी एमीवे कुछ ऐसा ट्रैक ड्रॉप करते जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, तो शायद एमीवे मंटाई सिद्धू पाजी को टेक ओवर कर ले, बट मुझे लगता है कि सिद्धू पाजी ही नंबर 1 पे भी रहने वाले कुछ टाइम के लिए। और हाँ, अंदर से कुछ खबरें भी आ रही है कि सिद्धू पाजी का बहुत जल्द ट्रैक भी आने वाला है, तो अगर सिद्धू पाजी ट्रैक ड्रॉप करते हैं तो अगेन यो 200 का नंबर है, ये और भी ऊपर जाएगा, 400K 500K भी क्रॉस कर सकता है। सो यस, इन नंबर 2 वी हैव सिद्धू मूसेवाला। ओके, अब चेक कर लेते हैं अपनी लिस्ट के फास्टेस्ट ग्रोइंग हिप हॉप आर्टिस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग रैपर को, और ये होने वाला है सबके लिए सरप्राइज, शायद तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इन नंबर 1 वी हैव शो। और शुभ करेंटली गेन कर रहे हैं हर महीने 500K सब्सक्राइबर्स। लाइक तुम इमेजिन करके देखो, 500K सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे ऐसे हिप हॉप आर्टिस्ट या फिर आर्टिस्ट है उनके पूरे करियर के सब्सक्राइबर्स काउंट 500K नहीं होते हैं। शुभ करेंटली 500K सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं। इसके पीछे की जो मेन रीजन है वो ये है कि शुभ ने रिसेंटली ही अपना एक EP ड्रॉप किया, और EP ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लाइक नंबर्स बहुत अच्छे लेके आ रहे हैं। और शुभ एक ऐसे आर्टिस्ट है ना जिन्होंने सबसे फास्ट ग्रोथ दिखाया है अभी तक, लाइक जितने भी आर्टिस्ट अभी तक
इंडियन सीन या फिर देसी हिप हॉप सीन में आए हैं, सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ शुभ ने ही दिखाया है, ठीक है। और अगर शुभ अपने इस नंबर को मेंटेन कर पाते हैं तो डेफिनेटली वो भाई सबसे आगे निकल जाएंगे सब्सक्राइबर्स काउंट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से वो नंबर वन पे पहुंच जाएंगे अगर इसी हिसाब से वो चलते हैं। सो अगर हम बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग हिप हॉप आर्टिस्ट राइट नाउ इन 2024 की, नंबर वन पे है शुभ। ओके सो दिस वाज इट, ये हम लोगों ने चेक कर लिया टॉप 10 लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग हिप हॉप आर्टिस्ट इन इंडिया। इसमें से कौन सा आर्टिस्ट तुम्हारा फेवरेट है कमेंट करके बताओ, और तुम्हारे हिसाब से कौन से आर्टिस्ट का ग्रोथ हमें इस साल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इस टाइम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाय करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ साथ अगर तुम म्यूजिक बनाना चाहते हो, म्यूजिक बनवाना चाहते हो, रैपर हो तो अपने लिए म्यूजिक चाहते हो तो मुझे डीएम कर सकते हो, मेरे पास एक टीम है, हम तुम्हारे लिए अफोर्डेबल प्राइस से म्यूजिक बना देंगे, या फिर मिक्स मास्टर कराना है तो उसके लिए भी डीएम कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।